तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस की बात की थी, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया था। आज वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 19, और दूसरी इक्वेशन दिया हमें 16x -7y इक्वल टू 11। तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपकी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी हो। किस फॉर्म में लिखी हो? ax प्लस by इक्वल टू c, ऑलवेज इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन लिखी हुई हो। तो आप क्या करेंगे उसके बाद? सबसे पहले x लिखेंगे और फिर y और फिर -1। ये तीन चीज़ मैंडेटरी हैं, आपको लिखना ही है इस तरीके से। देन आप शुरू करेंगे y के कोएफिशिएंट से। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 3। और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है? -7। देन फिर उसके बाद y के बाद आ जाएंगे आप कॉन्स्टेंट वाली टर्म पे, सेकेंड नंबर पे। ये फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड आ गया, तो यहाँ पे 19 है और इधर की तरफ 11 है ना, कॉन्स्टेंट। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। देन फिर आप आ जाएंगे x के पास, तो x के पास कितना है? 5 कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 16। देन वापस आप कहाँ पहुँच जाएंगे? y के पास। तो जहाँ से शुरू करा 3 और -7। फिर उसके बाद इसको क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं? क्योंकि इस वजह से आप ऐसे करके ये क्रॉस के साइन लगा दीजिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स, तो एक्स के नीचे क्या आ जाएगा? 3 × 11, 3 × 11 -7 × 19 इक्वल टू वाई अपॉन 19 × 16 एंड -11 × 5 देन इक्वल टू -1/5, 7 5 और -7 एंड -16 और 3। नाउ एक्स के नीचे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 × 3 = 33, और इसको करेंगे तो 19 × 7 = 133। तो -(+) 133 इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 19 × 16 करेंगे तो लगभग 304 आएगा, और 11 × 5 = 55 एंड इक्वल टू -1/5, 7 = 35, -35 एंड 16 × 3 = 48। तो आपके पास ये तीन चीज़ आ गई। तो x अपॉन कितना है? x के नीचे इन दोनों को ऐड करिए, 160, 3 और 3 = 6, 3 और 3 = 6, 166 एंड y अपॉन 304 में से 55 सब्ट्रैक्ट करिए, 14 में से 5 गए, ठीक है, 249 आ जाएगा, 249 एंड इक्वल टू -1/ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8, माइनस का 83। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, एक्स इक्वल टू 166/83 देन एक्स इक्वल टू आ गया 2। आप फिर इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, वाई डिवाइड बाई 249 एंड इक्वल टू 1/83। तो इसको करेंगे तो y इक्वल टू 249/83, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इतना लंबा प्रोसेस करने से पहले एक बार हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पैरेलल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए। यूजुअली चेक नहीं भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पे जाकर भी पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं अपॉन में इक्वल टू में या जीरो में बन जाएगा, जिससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। a1/a2 देखेंगे तो जैसे 5 और यहाँ 16 है a2, और b1 कितना है? 3, और b2 कितना है? -7। तो आप देखेंगे -35 और ये 48, ये दोनों इक्वल तो नहीं है। देन सॉल्यूशन है इसका, कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। और फिर अब इसके इस चैप्टर में बचता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है।